चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई है आपको, आपने ये अचीवमेंट पाई है। और सबसे पहले इनके ये प्रशंसक भी आप देख रहे हैं, लगातार उनको मालाएं डालने के लिए आ रहे हैं। और धन्यवाद यहाँ पर की हमारे यहाँ क्या कहेंगे सर? देखिए, आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ खुशी का माहौल है। मेरे जीतने का जश्न जो है वो चारों तरफ है जी। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि लोगों ने हमें वोट देकर के जिताया है कुछ बदलाव को लेकर के, और उस बदलाव को हम दिखाएंगे। वाकई में ग्राउंड लेवल पे जो बदलाव आएगा, हम कैंपेन में जो किया था, क्या मेन इश्यूज हैं इनको पहले लेके चल? कैंपेन में बहुत सारे मुद्दे थे। इस समय जो है ना, आप मुझे प्लीज, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि यहां पर सारे समर्थक जो है वो मेरा इंतजार कर रहे हैं, घर में मेरा इंतजार कर रहे हैं। जो कैंपेन के इश्यूज हैं मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा। और इतना ही है कि एक बदलाव को लेकर के हम लोग कैंपेन कर रहे हैं और उसमें हम लोग सक्सेसफुल हुए। धन्यवाद। ये अरुण गुप्ता जी हैं जो जीत के आए हैं। और नए चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट बन के आए हैं, हालांकि खुल के बात नहीं हो पाई इनसे। बहुत प्रशंसक इनके साथ हैं, हर कोई चाहता है कि मालाएं डालें, इनका स्वागत करें। कोशिश करेंगे हम इनसे कल या परसों दिन में आराम से बैठ के बात करें, क्योंकि बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे नए स्टार्टअप से जुड़े हुए लोग हैं। सरकार के साथ इनका किस तरह का आगे का वार्तालाप रहती है, जो पैकेजेस आए हैं वो पैकेजेस इन्होंने किस तरह से आगे इंप्लीमेंट करवाने हैं। नई इंडस्ट्रीज आनी हैं, आ रही हैं, सरकार भी प्रयास कर रही है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है इसके बीच में, और योगदान रहेगा भी। और सबसे बड़ी बात, धारा 370 टूटने के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय हुआ है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, आगे स्टेटहुड का भी एक इशू है, वो भी मिलेगी कि नहीं मिलेगा वो वक्त है। लेकिन चैम्बर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, बहुत सारे नए चेहरे हैं, और सबकी कोशिश यही है कि जो नई टीम चुन के आई है ये काम करे। और जिस तरह से इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है, तमाम इश्यूज हैं जम्मू कश्मीर के, उसको सॉल्व आउट करवाने के लिए, तो अब जो नई टीम है, दायित्व उन पे बनता है। हालांकि कुछ चेहरे पुरानी टीम के थे जो एक बार फिर से आया है, खास तौर पे गौरव गुप्ता की बात करें, लेकिन तमाम इनके जो सपोर्टर समर्थक हैं वो इस समय सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और हालांकि बात करने का हमने प्रयास किया, लेकिन मुमकिन नहीं है, जो भी बात है वो खुलकर बात भी की जाएगी। लेकिन फिलहाल इनके लिए आज बधाई का दिन है, और हम भी बधाई देकर आपसे अलविदा लेते हैं। शर्मा के साथ ख्वाहिश टाइम जम्मू।